जिला कांगड़ा निजी बस ऑपरेटर यूनियन के अध्यक्ष हैप्पी अवस्थी ने कहा कि लॉकडाउन के चलते 2 माह से उनकी बसें खड़ी हैं, चालक परिचालक भी घर में बैठे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के निर्णय के अनुसार 1 जून से यूनियन से जुड़े ऑपरेटर अपनी निजी बसें चलाना शुरू कर देंगे। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में यातायात का प्रमुख साधन बसें ही हैं। बस चलने से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को राहत मिलेगी। निजी बस ऑपरेटर यूनियन सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेगा। उन्होंने कहा कि सरकार से निजी बसें शुरू करने के उपरांत आग्रह रहेगा कि इन बसों को सुबह व शाम 2 समय सैनिटाइज करने की व्यवस्था की जाए। उन्होंने कहा कि जैसे कि सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि बसों को 60% कैपेसिटी के साथ चलाना होगा, जिसके तहत चालक परिचालक को कहा जाएगा कि जैसे ही निजी बसों में 60% यात्री सवार होंगे तो बस को अगले स्टेशन पे ना रोका जाए, जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे और लोगों को यातायात की सुविधा भी उपलब्ध हो सके। हमारी तरफ से ये फैसला लिया गया है कि 1 जून को हम गाड़ियाँ जो है वो अपनी कांगड़ा में जो मेरे प्राइवेट बस ऑपरेटर यूनियन के साथ जुड़े हुए लोग हैं वो बसें चलाएंगे, क्योंकि पिछले 2 महीने से ये बसें खड़ी थी और हमारे चालक व परिचालक जो हैं वो बेचारे घर में बेकार बैठे हुए थे। और जो लोग गाँव में रहते हैं उनको शहरों में आने के लिए सिर्फ एकमात्र साधन जो है बसें हैं, तो हम इसलिए ये फैसला लिया है कि बसें जो हैं वो हम सरकार के कहने पर उनसे इस टाइम आर्थिक तंगी के होने की वजह से सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के काम करेंगे। सरकार से मेरा यही अनुरोध है कि हमारी बसों को सुबह और शाम सैनिटाइज करने के लिए कोई और सोर्सेस कर्मी जो हैं वो अपॉइंट किए जाएं, जिससे कि हमारे चालक परिचालक और जो सवारियां इसमें सफ़र करेंगी उनकी सुरक्षा जो है वो सुनिश्चित होनी चाहिए। हमारे जैसे बस में 60% जो हैं वो लोग जो हैं वो सफ़र कर पाएंगे। इसमें सर अभी अभी मीटिंग होनी है, जैसे हम 28 या 29 को मीटिंग कर लेंगे, उसमें हमारे प्रशासनिक अधिकारी अपने RTO साहब, DC साहब और इनके साथ बैठ के एक गाइडलाइंस तैयार कर लेंगे, उसी हिसाब से हम बसें चलाएंगे। भी जब ये 60% सवारी पूरी हो जाए तो उसके बाद अन्य किसी स्टॉपेज के ऊपर ब्रेक ना लगाई जाए। हाँ, चुनौती तो है, पर इस टाइम जो हमारे प्रदेश में जो विपदा आई हुई है ये COVID-19 की, इससे लड़ने के लिए हमें सरकार का साथ देना चाहिए। मैं तो सभी ट्रांसपोर्टरों और ट्रांसपोर्टर भाइयों से ये अनुरोध करता हूँ कि सरकार का साथ दें और इस विपत्ति घड़ी में अपने प्रदेश में सुचारू रूप से परिवहन को सुविधा को सुचारू रूप से चलाएं। ये कुछ 5-10 लोग हैं जो कि ऐसे लोगों को बरगला रहे हैं कि बसें नहीं चलानी चाहिए। अब मैं ये बात उनसे पूछना चाहता हूँ कि जैसे हमारी बसें प्रवासियों को लेकर बाहर जा रही हैं तब भी हम बस चला ही रहे हैं, तो अपने प्रदेश के लोगों को सुविधा देने में इसमें क्या प्रॉब्लम है? हमारी जो बसें हमको जो रूट सरकार ने दिए हुए हैं लोगों को फैसिलिटी देने के लिए दिए हुए हैं। और रही बात हमारे घाटे की, तो सरकार के साथ हम जुड़े हुए हैं और सरकार हमारी सुनती है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी और अपने परिवहन मंत्री जी ने पीछे 4 महीने का टैक्स जैसे माफ़ कर दिया हुआ है, तो वैसे जो जो प्रॉब्लम हमको आती जाएंगी वो उनको सेट आउट करते जाएंगे और हमें उनके ऊपर पूर्ण विश्वास है।